सॉल्व करने की कोशिश करो। ये कहता है टू आइडेंटिकल बॉडी आर मेड ऑफ मेटल मटेरियल फॉर विच हीट कैपेसिटी इंक्रीज विथ टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई, ये कोई नया बात है क्या? हीट कैपेसिटी जो होती है, हीट कैपेसिटी, हमारे पास मास है, वो मास कुछ भी हो सकता है, आयरन, एल्युमिनियम, 1 kg, 10 kg, 20 kg, कितना भी है, वो mkg है, ठीक है, एक मास है mkg का। अब इस mkg मास को मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना बढ़ाना भैया, 1 degree Celsius, ठीक है। अगर मुझे 1 degree Celsius इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 degree Celsius, तो जितनी हीट ये लेगा, जितना हीट लेगा, 10 joule, 5 joule, 20 joule, ठीक है, 2 joule, 3 joule, जितना भी हीट लिया, वही इसकी थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। और हीट कैपेसिटी की जो फार्मूला होती है, हीट कैपेसिटी, उसको मैं हीट कैपेसिटी को एस से किससे डिनोट कर दूं, चलो क्यू से ही डिनोट कर देता हूं। हीट कैपेसिटी क्यू इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। आ गया समझ में, हीट कैपेसिटी मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट, ये होता है, मतलब होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ये कहता है, अब देखो तुम, सिंपल सी बात है यार, कि अगर वाटर है 100 degree Celsius पे, 100 degree Celsius पे वाटर है, और ये 0 degree Celsius पे वाटर है, तो किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी? हीट कैपेसिटी ज़्यादा का मतलब किसको 1 degree Celsius टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 degree Celsius टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसका टेम्परेचर पहले से ही बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसका टेम्परेचर कम है, तो इसको 1 degree Celsius टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर है। तो यहाँ पर दो बॉडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक की 100 degree Celsius है और एक 0 degree Celsius पे, तो 100 degree Celsius वाले की हीट कैपेसिटी Q1 इज ग्रेटर देन Q2, इसकी हीट कैपेसिटी Q2 है जो 0 degree Celsius पे, और ये 100 degree Celsius पे, तो इसकी हीट कैपेसिटी अधिक होगी, ठीक है, ये हमें कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है कि जब इनका टेम्परेचर अलग अलग है, तो मैं इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करता हूँ। चलो कनेक्ट कर दिया, एक अच्छा सा वायर लेके आए, कनेक्ट कर दिए, तो एक वायर हम लेके कनेक्ट कर दिए, तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जब तक कि जो एक कॉमन टेम्परेचर अटेंड नहीं हो जाएगा, तो उस कॉमन टेम्परेचर जो थीटा है, उसकी वैल्यू इसमें से किसके आसपास होगी, 50 से कम होगी, 50 से ज़्यादा होगी, ये पूछा जा रहा है। आया समझ में? चलो अब इसको करते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इसको हीट दिया, इसको हीट दिया, तो प्रिंसिपल आप कहें हीट दिया नहीं, हीट यहाँ से कनेक्ट करेंगे ना भाई, नहीं हीट दिया नहीं, यहाँ अपने आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे, तो इससे इधर हीट फ्लो होगी, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि ये जितना हीट लॉस करेगा वो इतना गेन करेगा, तो हीट लॉस बाई फर्स्ट बॉडी, इसको नाम बोल देता हूँ, इसको सेकेंड बोल देता हूँ, तो हीट लॉस बाई बॉडी फर्स्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाई बॉडी टू। तो पहले ने लॉस किया, दूसरे ने गेन किया यार, पहले ने लॉस किया और दूसरे ने गेन किया, किससे? कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से, एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। चलो तो हीट लॉस बाई हीट गेन, अब हीट लॉस का क्या फार्मूला होता है? जब टेम्परेचर चेंज होगा, इसका सिर्फ टेम्परेचर बदला है, स्टेट नहीं बदला है, तो टेम्परेचर चेंज के लिए हीट इज इक्वल टू mc delta theta यूज कर सकते हैं, ठीक है, मास स्पेसिफिक हीट और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज, तो यहाँ से लिख सकते हैं mc delta theta 1 = mc delta theta दूसरे वाले के लिए, और मास मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट इज द हीट कैपेसिटी q1 delta theta 1 = q2 delta theta 2, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा वन लगाओ तो Q1, पहली बॉडी मान लो कॉमन टेम्परेचर कितना हो गया थीटा, कॉमन टेम्परेचर थीटा हो, तो पहली वाली बॉडी अपनी हीट अपना टेम्परेचर कम की है, तो कम की है, पहले 100 था, तो 100 माइनस थीटा वन हो गया, 100 माइनस थीटा हो गया कॉमन टेम्परेचर, और Q2 और दूसरे वाली बॉडी टेम्परेचर अपना बढ़ाई है, 0 से थीटा कर लिया, तो थीटा माइनस 0, ठीक है, ये चेंज इन टेम्परेचर थीटा हायर टू लोअर, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 100 Q1 और माइनस
Q1 थीटा इज इक्वल टू Q2 थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 100 Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 100 अपॉन 1 प्लस Q2 अपॉन Q1, Q2 अपॉन Q1, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर थीटा। ये वही स्पेशल थीटा है, ठीक है, जब टेम्परेचर कॉमन हो गया है, क्लियर है। अब मुझे थीटा की वैल्यू 50 से अधिक या 50 से कम, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ, अब आपको दिया हुआ है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यहाँ दिया हुआ है Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो हमको Q2 अपन Q1 चाहिए ना, तो इसका मतलब है 1 इज ग्रेटर देन Q2 अपन Q1, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज ग्रेटर देन Q2 अपन Q1 और प्लस 1, ठीक है, आता ना ये इनइक्वालिटी। अब वहाँ से Q1 अपन Q2 इसकी वैल्यू जो होती है 100 अपन थीटा है, तो इसका मतलब 2 इज ग्रेटर देन 100 अपॉन थीटा, इसका मतलब यह है कि थीटा इज ग्रेटर देन 100 बाई 2, इसका मतलब यह है थीटा इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये रहा हमारी पूरी कहानी। थीटा इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों और बच्चों, ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास सही आती है।